19 जनवरी 2024 संपूर्ण भारत का मौसम। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम बात करें मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट की, क्या बड़ा अपडेट है मौसम विभाग का, चलिए जानते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं, जिससे अपडेट रहें आप सभी मौसमी खबरों के साथ, काम की खबरों से अपडेट। किस प्रकार से देश में मौसमी सिस्टम, चलिए जान लेते हैं। चक्रवाती परिसंचरण उत्तर पश्चिमी राजस्थान के निचले स्तरों पर बना हुआ है। वहीं एक चक्रवाती परिसंचरण उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर औसत स्तर से 1.5 किलोमीटर से 3.1 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। वहीं बांग्लादेश के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र 3.1 किलोमीटर तक फैला हुआ है और एक ट्रफ रेखा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक से पूर्वी विदर्भ तक फैली हुई है। वहीं एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मालदीव क्षेत्र पर भी स्थित है। इस प्रकार से है वर्तमान में मौसमी सिस्टम। चलते हैं पिछले 24 घंटों के मौसम की ओर। पिछले 24 घंटों के दौरान गंगी पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह छत्तीसगढ़ ओडिशा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं झारखंड तटीय ओडिशा में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। सिक्किम असम और अरुणाचल प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। बिहार के अधिकांश हिस्से, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई हिस्से और हरियाणा के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे से लेकर गंभीर कोल्ड डे की स्थिति बन रही है और ऐसे ही वहाँ पर दर्ज किया गया। साथ ही उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश में एक दो स्थानों पर शीत दिवस से लेकर गंभीर शीत दिवस की स्थिति देखी गई। पंजाब के कई हिस्सों में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति देखी गई है और हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक दो स्थानों पर शीतलहर की स्थिति दर्ज की गई। वहीं हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, बिहार, इन क्षेत्रों में कुछ हिस्सों में बहुत घना कोहरा देखने को मिला। दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और असम के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। चलते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के मौसम की ओर। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान गंगी पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा, झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं व्यक्त की गई है। वहीं सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, दक्षिणी तमिलनाडु, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश होने की संभावनाएं बताई जा रही है। वहीं बिहार, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, हरियाणा, इन क्षेत्रों में कोल्ड डे से गंभीर कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, इन स्थानों में एक दो स्थानों पर शीत दिवस से लेकर गंभीर शीत दिवस की स्थिति बन सकती है। साथ ही पंजाब के कई हिस्सों में शीतलहर से गंभीर शीतलहर की स्थिति हो सकती है और हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक दो स्थानों पर शीतलहर की स्थिति हो सकती है। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, बिहार, इन क्षेत्रों में के कुछ क्षेत्रों में बहुत घना कोहरा छाया रहने की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और असम के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है। तो लेटेस्ट अपडेट था मौसम विभाग का। वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोग जान सके लेटेस्ट अपडेट को, रह सके मौसमी खबरों के साथ, काम की खबरों से अपडेट।